हाय फ्रेंड्स, मैं बीरेन सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड के 12वीं कक्षा के पहली पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहले हम अबाउट द पोएम पढ़ते हैं। अबाउट द पोएम यानी पोएम के बारे में। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार सर हेनरी वॉटन के अनुसार, द लाइफ अ ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्क्ड बाय ट्रू फ्रीडम और थॉट, राइटियसनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, सिंपलसिटी, फेथ, केयर फ्रीनेस एंड सेल्फ कंटेनमेंट। द लाइफ ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन, एक सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का जीवन इज मार्क्ड, एक छाप होती है बाई ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट, विचारों में वास्तविक आजादी की, अधिकारों की, ईमानदारी की, सच्चाई की, सिंपलसिटी सरलता की, फेथ विश्वास की, केयर फ्रीनेस चिंता मुक्त और आत्मसंतुष्टि की। He is always free from jealousy. हमेशा free में रहता है, चिंता मुक्त, from the jealousy. He is free from jealousy. वह ईर्षा से चिंता मुक्त रहता है, ईर्षा से दूर रहता है, ill will, बुरी भावना से, and worldly anxieties, और सांसारिक चिंताओं से। वह हमेशा ईर्षा, बुरी भावना और सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहता है। ही प्रेज टू गॉड डेली, वह रोजाना ईश्वर से प्रार्थना करता है। ही इनवेज नन, इनवेज यानी ईर्षा करना, हुआ किसी से भी घृणा नहीं करता है। ही पासेज हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ अ गुड बुक और अ गुड फ्रेंड। ही पासेज हिज टाइम, वह अपना समय व्यतीत करता है इन द कंपनी ऑफ अ गुड बुक, एक अच्छी किताब के अध्ययन में, और अ गुड फ्रेंड या किसी अच्छे मित्र के साथ। ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का स्वामी होता है, यानी वह खुद का मालिक होता है। एंड मास्टर ऑल ही सर्वेज, और हर चीज पर वह अपना अधिकार रखता है। ही मे बी पुअर, यद्यपि वह गरीब हो सकता है, बट मोरली ही इज ऑलवेज ग्रेट, लेकिन नैतिकता रूप से वह हमेशा महान होता है। देखिए, अब हम लोग हिंदी एक्सप्लेन देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, हाउ मिस कितना हैप्पी मिस खुश है, इज ही वह बॉर्न और टॉट, जन्म और शिक्षा से, वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है। दैट सब्स नॉट अनदर्स विल, दैट मिस वह सब्स में सेवा करता है, नॉट अनदर्स विल, दूसरों की इच्छा के अनुसार, यानी वह दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर, आर्मर यानी कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी का विचार ही, उसकी ईमानदारी का विचार ही एकमात्र उसका सुरक्षा कवच होता है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज ऑटमोस्ट स्किल, ऑटमोस्ट मीन्स श्रेष्ठ, स्किल मीन्स योग्यता, और साधारण सत्य ही उसकी सर्वोच्च योग्यता है। एक बार फिर देख लें। How happy is he born or taught? That serves not another's will. वह जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न व्यक्ति है जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। Whose armor is his honest thought? उसका ईमानदारी का विचार ही उसका एकमात्र सुरक्षा कवच होता है। And simple truth is utmost skill. और साधारण सत्य उसकी सर्वोच्च योग्यता होती है। Whose passions are not his masters are, whose passions यानी उसकी तीव्र इच्छाएं, not his masters उसकी स्वामी नहीं होती, यानी वह अपनी तीव्र इच्छाओं जैसे कि क्रोध, प्रेम, ईर्षा, हर्ष आदि, इन चीजों को वह अपने नियंत्रण में रखता है। Whose passions not his masters are, उसकी तीव्र इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं होती हैं। Whose soul is still prepared for death, वह मरने, उसकी अंतरात्मा इज स्टिल
तैयार रहती है, प्रपेयर्ड फॉर डेथ, यानी प्रपेयर्ड मीन्स तैयार रहती है फॉर डेथ, मृत्यु के लिए, यानी उसकी अंतरात्मा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात उसे मृत्यु का कोई भय नहीं होता है, या वह मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अनटाइड मीन्स बंधन मुक्त, अनटू द वर्ल्ड वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, और प्रिंसली लव, और वह ना तो राजकुमार की कृपा प्राप्ति चाहता है, और बलगर वृद्ध साधारण लोगों की आलोचना, और वह ना ही साधारण लोगों की आलोचना की परवाह करता है। एक बार फिर से देख लो, कुछ पैसे उसकी तीव्र इच्छाएं उसके नियंत्रण में रहती हैं, वह मृत्यु से नहीं घबराता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त रहता है, वह ना तो राजकुमार की या राजा की कृपा प्राप्ति चाहता है, और ना ही वह साधारण लोगों की आलोचना की परवाह करता है। Who hath his life from remorse freed? Remorse freed यानी अफवाहों से मुक्त, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। Whose conscience यानी उसकी अंतरात्मा is strong retreat means दृढ़, strong means दृढ़, retreat means शरण स्थल, उसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ शरण स्थल होता है, या उसकी अंतर आत्मा ही उसका दृढ़ शरण स्थल है। हूज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड, नो रुइन मेक अपोजर्स ग्रेट, हूज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड, whose state can neither flatter feed, उसका जीवन, सॉरी, whose state can neither flatter feed, whose state can neither flatter feed, वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता। No ruin make opposers great. और उसका विनाश उसके विनाशकारियों को महान नहीं बना सकता। Who invades none whom chance does raise? Who invades? वह ऐसे किसी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है, whom जिसने chance does raise, संयोग से उन्नति की हो। नोर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, वह कभी नहीं समझ पाता, हाउ डीपेस्ट बाउंस आर गिवन विद प्रेज, कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है। नोर रूल्स ऑफ स्टेट, वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाई के नियमों का पालन करता है। एक बार फिर से देख लो, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है, उसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ शरण स्थल है, अर्थात वह अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार कार्य करता है, वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है, उसका विनाश दमन करने वालों को मान नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसने संयोग से प्रगति की हो, वह यह कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से वह प्रभावित नहीं होता है, वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता है, लेकिन वह अच्छाई के नियमों का
पालन करता है। आगे देखिए, हु गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे, वो है यानी एक प्रश्न, सच्चा प्रश्न व्यक्ति, गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे, डी ओ टी एच डॉट, इसको डज ही कहते हैं, डी ओ एस, हु डज, हु गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे, वह सुबह शाम ईश्वर से प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, उपहार प्राप्त करने के लिए नहीं, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा प्राप्ति के लिए, वह ईश्वर से सुबह शाम प्रार्थना करता है, उपहार प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि उसकी कृपा प्राप्ति के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, वो एंटरटेन्स, वह व्यतीत करता है, आनंद लेता है, हार्मलेस डे, अपने हानि रहित दिन, यानी वो अपने दिन को विदा वेल चूजन, वो किसी अच्छी पुस्तक के अध्ययन में और अ फ्रेंड या किसी मित्र के साथ व्यतीत करता है। वह एक बार फिर से देख लो, वह प्राय तथा साय ईश्वर को प्रार्थना करता है, उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, वह किसी उपहार प्राप्ति की इच्छा से नहीं करता, वह अपना दिन किसी अच्छी पुस्तक के पढ़ने या मित्र के साथ व्यतीत करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल बैंड्स यानी सांसारिक बंधन, फ्री मींस मुक्त, ऐसा व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त रहता है, ऑफ होप टू राइज, उसे ना ऊंचा उठने की आशा होती है और फियर टू फॉल, और ना ही उसे गिरने का भय रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, चाहे वह भूमियों का मालिक ना हो लेकिन वह खुद का मालिक है, अर्थात वह आत्मसंतुष्ट है, यानी वह अपनी आप पर नियंत्रण रखता है, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, ही है तो फिर भी सब कुछ है, अर्थात वह संतुष्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल and comment also.